चार दिन से थी वो रीना बच्ची मेरे घर में, चार दिन के बाद में अब उन्हें लेके जा रहे हैं तो जो है चलो बोल के महाराज को बुला लेके गई दोगे, तो बच्चा लेके जाके ऑटो में छोड़ के आया, बच्चा ही बोला अम्मी कहीं कुछ छोड़े जी अकेले घर में कैसा रहती, और छोड़ दिया ना एक महीने से बढ़ के होगा, वहाँ जाके कोई नहीं आ रहे, खाली जहाँ सास ससुर आ रहे पूछ रहे आ रहे चले जा रहे समझो, अकेली बच्ची को छोड़ दिए, दूसरी भाव भाव आए नहीं। हाँ एक सुबह से जो उठे खुद से पिया तो सोए रहा था पूरी रात, दो दो तीन तीन दिन पीता रहता मालूम, और घर में कोई पूछने गए तो नहीं उल्टा लड़ते, तुम लोग आँच खराब है तुम लोग खराब है बोल के लड़ते मालूम, इनके घर में इनके सास ससुरे नंदा अनु वो जेठ भी ऐसी पुकारा करते, उन्हें भी ऐसी लड़ते, और 5 साल हो रहा, इतने बच्चे, 2 बच्चे एक बेटी एक बेटा, एक एक साल की बच्ची एक 3 साल का है 4 साल का है, अब्दुल्ला खान से भाई उनका नाम अफू बोल के पुकारते, क्या काम करते हो, फ्रूट का कारोबार करते, आपको कैसा मिली है तलाई है? बोले बोले कौन बोले ऐसी बोले हमारी, मैं सौदे को गई थी हमारे घर में फोन आया शायद, तो हमारी बहू आके बोली छोटी बहू ऐसा हीना जला लिए करते बोले, तो भाग के ही मैं यहाँ दवाखाने में हमारे भतीजे के संगत आ गई मैं गाड़ी पे बैठ के। क्या है आपको शक किसके ऊपर है? क्या है कि मर्द को पूछो उनके उन लोगों को पूछो अगर उनको अलग रहने का मतलब क्या है, एक भाव को घर में रखे एक भाव को अलग कम घर दिला के छोड़ दिए, किराए का घर बना रहे बोले उनकी ना घर बना रहे बोल के क्या करे घर देखो तो अच्छा गए तो पूरे जाना ना घर में, पूरे जाना ना घर में कोई भी नहीं गए, बच्ची को अकेली को रख दिए, इला गैच नहीं मालूम जा रहे जा रहे जा रहे बोले, उसके आदमी गैच नहीं भी रख बच्ची बड़ी हो गई बोले, वो जब भी रहेगा घर में जा रहे थे वो कैसा हुआ क्या हुआ उनको पूछो मालूम होता उनके मरा थे ना, मतलब कोसे चिल्लो किस पे हुआ ये? मैं क्या बोली उनका नहीं ना तो गैस है ना तो चूल्हा है स्टोव है, गैस भी खत्म हो गई उनका गैस का तेल भी नहीं, और वो करंट के चूल्हे पे पका रहे थे उन्होंने,